Class 8, we come to page number 107 of Square and Square Roots. There was this question that how to estimate square roots. So Devashi had a square piece of cloth of area 125 centimeters square. She wants to know whether she can make a handkerchief of side 15 centimeter. If that is not possible, she wants to know what is the maximum length of the side of the handkerchief that can be made from this piece. So it is 125 centimeters square, the piece of cloth is. So the nearest perfect square is 121 and the next to it is 144. 121 is less than 125 and 144 is more than 125. Or you can say that 121 is the square of 11 and 144 is the square of 12. So as you can see that 121 is nearer to 125 rather than 144. So therefore, the handkerchief which she can make is of 11 centimeter side. Okay, so that's how you can estimate. And now we come to the cube and cube roots. अब जैसे स्क्वायर में था वैसे ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसमें दो थे इसमें तीन हो जाते हैं एक से नंबर. अब एक नंबर है जो कहलाता है रामानुजन हार्डी रामानुजन नंबर. हुआ क्या था कि एक मैथमेटिशियन थे जी एच हार्डी, वो मिलने आए हमारे बहुत महान मैथमेटिकल जीनियस थे एस रामानुजन, उनसे मिलने आए. उन्होंने कहा मेरी जो टैक्सी है उसका नंबर जो है वो बड़ा बोरिंग है. उन्होंने कहा नहीं बोरिंग नहीं है, 1729 इज़ द टोटल ऑफ टू क्यूब रूट क्यूब नंबर्स, दैट इज 1728 इज़ द क्यूब ऑफ 12 एंड 1 इज़ द क्यूब ऑफ 1 इटसेल्फ. तो इट कैन बी रिटन एज 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, राइट. सिमिलरली इट कैन बी रिटन एज 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब. सो यू कैन फाइंड आउट हाउ यू फाइंड आउट क्यूब्स. देयर आर मैनी सच नंबर्स. Others are 4104, that is 2 and 16, 9 and 15, 2 ka cube plus 16 ka cube, and 9 ka cube plus 15 ka cube, and so on. तो ये आप चेक कर सकते हैं. तो अब क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब आप जानते हैं ना, जिसमें जैसे आपका एक जो गेम होता है रूबिक्स क्यूब, उसमें जो है सारी साइड्स बराबर होती हैं. तो आपने देखा होगा ये क्यूब इस तरह का एक क्यूबॉइड होते हैं, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है. क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है. तो अब मान लीजिए आपके पास ये क्यूब है. सॉलिड फिगर क्या होता है, जिसमें तीन डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ हाइट या डेप्थ भी होती है. तो आपके पास आपको 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनाना है, और तो आपको 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स चाहिए होंगे. अब ये तो ये मान लीजिए आपका है 1 सेंटीमीटर क्यूब का. अब आपको 2 सेंटीमीटर के बनाने हैं, एक क्यूब बनाना है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है. तो आपको कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक नीचे 8 की. तो इनको परफेक्ट क्यूब्स या क्यूब नंबर्स कहते हैं. तो इसलिए जो है कोई भी नंबर अगर आप उसको एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्यूब हो जाएगा. अब 1 का क्यूब क्या होगा, 1 into 1 into 1 इज इक्वल टू 1. 2 का हो जाएगा 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 8. 3 का 3 3 is 9, 9 3 is 27. 4 का 4 4 is 16, 16 4 is 64. 5 का 5 5 is 25 into 5, 25 into 5, 125. 6 का हो जाएगा इसी तरह 36 into 6 इज इक्वल टू 216. 7 का हो जाएगा 49 into 7, 343. स्क्वायर तो आपको याद ही हैं, इनको भी याद करने की कोशिश करिए. फिर 8 8 64 into 8, 612. 9 9 81 into 9, 729. 10 10 100 into 10, 1000. तो ये क्यूब्स हैं, इनको आप जितना हो सके अच्छे से याद कर लीजिए. 1 से 1000 तक इसका मतलब हो गया कितने परफेक्ट क्यूब्स हैं, 10 हैं, ठीक है. तो 1 से 100 तक कितने परफेक्ट क्यूब्स हैं, 100 जो है यहाँ 64 तक है, उसके बाद 100 से ज़्यादा हो गया है.
तो ये यहाँ तक के नंबर्स हैं परफेक्ट क्यूब्स हैं जो 1, 2, 3, 4 के बराबर हैं. ओनली फोर नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर परफेक्ट क्यूब्स. इवन नंबर के सारे क्यूब्स जो हैं इवन रहेंगे और ऑड नंबर्स के क्यूब्स ऑड रहेंगे. ये आप चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, आप जानते हैं ना इवन एंड ऑड नंबर्स. अब मान लीजिए अगर कोई नंबर है तो उसकी यूनिट प्लेस में 1 है, उसका क्यूब जो होगा उसकी यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, तो 1 ही आएगा. ठीक है ना. और जो 2 में एंड करेंगे उसके एंड में 8 आएगा. जो 3 में एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 3 का जो क्यूब है वो 27 है, तो अगर 3 में एंड कर रहा है तो 7 आ जाएगा. 4 का के में 4 का जो क्यूब है वो 64 होता है, तो उसके एंड में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. 4 के एंड का जो नंबर 4 में एंड कर रहा है उसका क्यूब में यूनिट प्लेस में 4 होगा. 5 अगर है यूनिट प्लेस में तो क्यूब में भी यूनिट प्लेस में 5, 6 में 6, 7, 7 का क्यूब है 343, तो इसके लिए 7 के क्यूब में यूनिट प्लेस में 3 आएगा. इस तरह जो 8 है उसमें यूनिट प्लेस में 2 होता है क्यूब में, तो यहाँ पर उसके जो नंबर 8 में एंड कर रहा है उसके क्यूब में यूनिट डिजिट 2 होगा. 9 में 9, 0 में 0. अब आपको बताना है फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब इनका क्यूब निकालना है आपको. बहुत बड़े नंबर हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछी है, तो 1 में 1 हो जाएगा, 8 में 2, 9 में 9, 5 में 5, 4 में 4, 7 में 3, 2 में 8 और 3 में 7. अब जैसे आपने ऑड नंबर्स को जब आप ऐड कर रहे हैं तो 1 = 1 = क्यूब में भी वही होगा. नेक्स्ट टू नंबर्स हो जाएंगे 2 + 3 + 5 वो 8 जो कि 2 का क्यूब है. 7, 9 और 11 को ऐड करोगे तो 27 जो 3 का क्यूब है. 13, 15, 17, 19, 64 को ऐड करोगे तो 64 जो कि 4 का क्यूब है. इस तरह 21, 23, 25, 27, 29 इन सबको ऐड करेंगे तो 125 जो 5 का क्यूब है. तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है. तो आप बाकियों को भी, आप 6 के क्यूब को कैसे निकालेंगे, 6 के क्यूब को निकालने के लिए आपने 5 का क्यूब में तो यहाँ आ गया था, लास्ट डिजिट था 29 जो ऑड डिजिट था, तो 31 से स्टार्ट करिए. 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41, तो कितनी बार ऑड नंबर्स लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑड नंबर्स ले लिया आपने. यहाँ 5 के में 5 लिए थे, 6 के में 6 ले लिए. इसी तरह 7 में आपने क्या लिया, 7 में 43 से लेना शुरू करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 55 तक ले लिया आपने. उन सबको ऐड करेंगे तो 7 का क्यूब मिल जाएगा. 8 के क्यूब में आप 56 से लेना शुरू करिए, सॉरी 57 से. 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71 कितने हो गए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड वन मोर नंबर 73. उनको ऐड करेंगे तो आपको 8 का क्यूब मिल जाएगा. इसको चेक करिएगा एक बार. नाउ ये देखिए पैटर्न क्या है. 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 × 3. तो 1 + 2 × 1 × 3 यानी कि 2 का क्यूब और 1 के क्यूब का डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है. 1 + 2 = 3 एंड 3 × 3 =
टू प्लस वन इज इक्वल टू इंटू वन इंटू थ्री किसके बराबर हो गया, सिक्स के, सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन, तो यहाँ पे टू का क्यूब एट माइनस वन का क्यूब वन, तो दैट इज इक्वल टू सेवन। इस तरह अब थ्री का क्यूब माइनस टू का क्यूब, उसमें आप वन प्लस थ्री इंटू टू इंटू थ्री कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं इसको। तो ट्राई डूइंग दिस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। तो पहले अगर टू है तो यहाँ पहले टू लिखेंगे, उसके बाद थ्री, थ्री यहाँ पे तो जो है यहाँ टू थ्री और फोर आ गया, और इधर वन टू और थ्री आया हुआ है, बाकी लास्ट में थ्री ही रहेगा। तो यहाँ पे आ गया टू थ्री फोर, और ये वन टू थ्री है, तो यहाँ वन टू थ्री आ गया और लास्ट में थ्री ही आया इनटू करके। तो इसको आप फाइंड आउट करिए। अब क्यूब में आप क्यूब निकालते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी नंबर का किसका क्यूब है ये निकालना है तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और तीन तीन के पेयर्स बना के और उसमें से एक एक लेके मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, या फिर किसका है ये क्यूब। तो इस 243 अ परफेक्ट क्यूब। तो आप क्या देख रहे हैं कि तीन जो है, एक बार तो तीन के पेयर्स में, एक बार दो ही के है, तो इट्स नॉट। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं कौन से नहीं हैं। करके देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। वहाँ स्क्वायर में आपको दो दो के पेयर्स देखने थे, यहाँ तीन तीन के देखने, तो 409,002025 दे आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, रेस्ट आर। स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अब आपके पास एक क्यूबॉइड है, राज के पास, तो वो जो है उसके डायमेंशंस हैं 15, 30 एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब उससे आपको एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब वॉल्यूम आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो क्यूबॉइड का कितना हो जाएगा, 15 तो अब आप इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो है इनको आप एक साथ फिर लिख लीजिए, तो थ्री और फाइव तो ट्रिपलेट्स हैं, टू नहीं है, तो इसलिए हमें टू इंटू टू यानी कि फोर, ऐसे और चार क्यूबॉइड्स चाहिए ताकि हम एक परफेक्ट क्यूब बना सकें, ठीक है ना। टू इंटू टू रह गया ना, यहाँ टू ही था सिर्फ, टू इंटू टू और चाहिए। इज 392 अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो फैक्टर्स निकाल लीजिए, आप देख रहे हैं 7 × 7 है, एक 7 नहीं है, तो इंटू 7 कर देंगे हम उसको, तो नया नंबर आ जाएगा 2744 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब। कोई भी नंबर उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसके फैक्टर्स में जो कमी आ रही है वो उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 53240 इसके फैक्टर्स निकालिए। अब ये पूछ रहे हैं कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिससे इसे डिवाइड किया जाए जिससे कोशेंट एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके फैक्टर्स निकालें, तो हमने देखा फाइव जो है वो अलग रह गया है, एक ही है, सिंगल है, तो आप फाइव से डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। दिस विल बी द नंबर, और ये क्या हो जाएगा, फोर टू द एट एंड 88 इंटू 121 दैट विल बी इक्वल टू 10648। 1188 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर नहीं है तो कौन से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से इसको डिवाइड किया जाए कि क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब हो जाए। फैक्टर्स निकाले तो देखा है 11 भी अकेला रह गया और 2 भी अकेला रह गया, सो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 11 है रह गए हैं। तो अगर हम डिवाइड कर दें 2 × 2 × 11 से तो क्या होगा, क्योंकि डिवाइडेड करना पूछ रहे हैं ना, तो ये जो बचेगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो किससे डिवाइड करें 1188 को,
11 टू 22 इंटू 2 44 से बचेगा वो क्या होगा 27 जो 3 का क्यूब है। 6860 क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? अगर नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए। 2 ट्रिपलेट्स में हैं और 7 भी ट्रिपलेट्स में हैं, सब 5 नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू 343000। सो 343 इज़ अ परफेक्ट क्यूब एंड 3 0 है उसका 10 रह जाएगा। तो ये 343 किसका है क्यूब? ये देखिए आप, सेवन का तो आंसर हो जाएगा 70 का परफेक्ट क्यूब ये हो जाएगा। चेक कर लीजिए ये इनमें कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं हैं। एक्सरसाइज 7.1 देखिए, तो ये आप परफेक्ट क्यूब हैं कि नहीं देख लीजिए। ट्रिपलेट्स में अगर फैक्टर्स आ रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब्स हैं, 128 और 100 के नहीं आ रहे हैं तो दे आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, ये देख लीजिए, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है। तो 243 को आपको 3 से, 256 को 2 से, 72 को 3 से, 675 को 5 से, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फैक्टर्स निकाल लीजिए, देख लीजिए जो ट्रिपलेट्स में कमी है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवाइड करना हो तो कौन से नंबर से, जो अकेला नंबर रह गया है उससे डिवाइड कर दीजिए, दो नंबर हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर दीजिए। 81 को 3 से कर दीजिए, 128 को 2 से, 135 को 5 से, 192 को 3 से, 704 को 11 से। अब परीक्षित के पास एक क्यूबॉइड है और प्लास्टिसिन का है जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो उसको जो है अब कितने क्यूबॉइड्स चाहिए टू फॉर्म अ क्यूब? तो 5 इंटू 2 इंटू 2 राइट, उसको 20 और चाहिए होंगे। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 20 और क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे उसको। अब क्यूब रूट्स देखिए, क्यूब रूट्स में भी ऐसे ही करिए आप, फैक्टर्स निकाल लीजिए एक नंबर के और जो तीन तीन के जो ग्रुप्स हैं उसमें से एक एक लेके मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। अब मान लीजिए 3375 का आपको जो है निकालना है, कुछ तो याद ही कर लीजिए आप तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यूब रूट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, लाइक दिस क्यूब रूट्स को। तो 3375 के फैक्टर्स निकालिए तो आपको एक एक 3 और 5 ले लीजिए तो ये किसका हो जाएगा, 15 का क्यूब हो जाएगा। 74088 का क्यूब रूट निकालना है तो उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए और आप देख रहे हैं कि ये 2 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज़ इक्वल टू 42 का है, क्यूब रूट ऑफ 8000। तो आप 8000 की निकालिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 20, 13824 का फैक्टर्स निकालिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24। तो क्या एक कोई इंटीजर है, इंटीजर मतलब एक नंबर है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो उसका जो स्क्वायर जो है वो क्या कम होगा एम क्यूब से? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो कम रहेगा, लेकिन तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा ही आएगा हमेशा। अब मान लीजिए क्यूब रूट निकालना है तो आपको जो है
एक और मेथड से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 6 डिजिट्स हैं एक नंबर में, तीन तीन का ग्रुप बना लीजिए। पहले ग्रुप का एस्टिमेट करिए कि किसका ये क्यूब है, स्टेप बाय स्टेप। तो 375 में यूनिट डिजिट में 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका जो यूनिट का डिजिट 5 में एंड होगा, यूनिट डिजिट में आ गया 5। अब दूसरा ग्रुप जो है वो है आपका 857। अब 9 का जो क्यूब है वो 729 है और 10 का क्यूब है 1000। अब 729 इज़ लेसर देन 857, बट 729 इज़ लेस देन 857 एंड 857 इज़ लेस देन 1000। सो वी टे तो दैट विल वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट नंबर इन द टेंस प्लेस। सो 729 इज़ द रूट द क्यूब रूट क्यूब ऑफ 9। सो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 95। इसी तरह 17576 का एस्टिमेशन करना है। अब हम तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे, तो सेकंड ग्रुप जो है उसमें 2 ही डिजिट्स हैं, तो उसमें क्या करेंगे, पहले वाला डिजिट 6 है इन वंस प्लेस, तो रिक्वायर्ड क्यूब रूट 6 ही होगा क्योंकि 6 का क्यूब रूट 6 ही आता है एंड में। दूसरा 17 है, 2 का 8 है क्यूब और 3 का 27 है। 17 lies between 8 and 27. So the smaller number among 2 and 3 is 2. तो 2 और 3 में से जो भी नंबर है वो 2 ले लिया जाएगा, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 26। इससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप फाइंड आउट करिए क्यूब रूट, ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इवन, फॉल्स। परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोस, ट्रू। 3 ज़ीरो होंगे कम से कम उसमें। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब रूट एंड्स विद 25। नो, इट एंड्स विद 5 नॉट 25। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, फॉल्स, क्योंकि 2 का जो क्यूब है वो 8 होता है। क्यूब्स ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, फॉल्स। देख लीजिएगा, चेकआउट करिएगा इसको। 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, और किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब में जो आएगा उसमें 7 से या ज़्यादा डिजिट नहीं होंगे, 6 तक होंगे। क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे हैव अ सिंगल डिजिट नंबर, ट्रू। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब भी सिंगल डिजिट हो सकता है। अब जैसे 1331 है, इसको आपको एस्टिमेट करना है कि किसका क्यूब रूट है ये, तो ये आप गेस कर सकते हैं। तो आप 1331 को 3 के ग्रुप्स में बांट लेते हैं, 1331 को। तो पहला यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। तो उसके बाद आप आ जाइए, आफ्टर स्ट्राइकिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ 1331 वी गेट द नंबर 1। अब टेंथ डिजिट क्या रहेगा, इलेवन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1331 जो है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, अब ये कैसे गेस करेंगे।
1331 जो है 11 का क्यूब हो जाएगा। So this comes to, we come to the end of this chapter. Please do it and check out the other numbers 4913, 12167, 32768. So this finishes your half yearly syllabus, and half yearly exams will contain till this chapter. Please prepare them thoroughly.